मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, आंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एनएस स्टडी पॉइंट पढ़ेड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे कि आपको अगर कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ के मैसेज या फोन के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि हमें सबसे पहले आप जो है संख्याओं के बारे में भी बताएं ताकि और भी अच्छे तरीके से हम समझ पाएँ। तो आज हम आपको संख्याएं पढ़ाएंगे। संख्याएं क्या होती हैं? आपकी संख्याएं, नंबर, संख्याएं वे अंक होते हैं जो आप वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5 आदि। ये सभी आपकी अनंत तक होती हैं, जो भी सभी की सभी जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं धनात्मक, वे सभी आपकी संख्याएं जो हैं आपके नंबर कहलाते हैं। अब नंबर, ये कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, आपको इनके प्रकार पता होने जरूरी है। ये संख्याएं वास्तव में कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं आपकी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे नंबर जिन की आपको आवश्यकता है केवल और केवल उन्हीं संख्याओं की हम बात करें। जैसे नंबर एक आपका सम संख्याएं क्या होती हैं, आपको केवल एक लाइन में हम बताएंगे। यानी सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाए, जो दो से कट जाए वही संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। नंबर दो पर आपकी होती है विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से न कटे, जो दो से न कटे आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जांपल, अगर मैं आपके पास दूँ तो जैसे आपका 3 है, आपका 5 है, आपका 9 है, ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं भी हम लिख सकते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है आदि आदि। जो भी ऐसी संख्याएं होंगी जो दो से कट जाएं भी आपकी होंगी सम संख्या। नंबर तीन पे आपकी आती है भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो अन्य संख्या से पूरी विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 कट गए 3 से, 15 कट जाएगा 5 से और 3 से, आपका 33 भाज्य संख्या है, कट जाएगा 33 3 से और 11 से। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका 787 कैसी संख्या है, भाज्य होगी या फिर अभाज्य होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि आपका अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से न कटे, जो अन्य संख्या से न कटे कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे आपका 23 है, आपका 32 है, आपका 31 आदि, ये संख्याएं आपकी नहीं कटेंगी तो भी कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्या। उसके बाद हम आपको बताते हैं नंबर 5, परिमेय संख्या
परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में होती हैं, जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे लेकिन एक कंडीशन है वो भी देख लो, जो आपका क्यू है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ये क्यों जो आपका नीचे की तरफ है, जो आपका हर है, वो संख्या कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो आपका क्यों है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हम परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे परिमेय संख्या आपकी 1/2 है, ये आपकी परिमेय संख्या है। उसके बाद 3/4, 5/7 आदि, ये आपकी सभी कैसी संख्याएँ हैं? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्याएं हैं। नंबर छः आती है आपकी अपरिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में न लिखी जाए, रूप में नहीं लिखी जाती, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सही आ रहा? ठीक है, ये लाइन सही आ रहा? ठीक है। अपरिमेय संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका रूट 3 है, जैसे आपका रूट 5 है, जैसे रूट 7 है। यानी हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं आपकी रूट के अंदर जकड़ी हुई होती हैं। में संख्याएं ही आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर रूट के अंदर 4 है और ये आपका जो संख्या है ये बताओ परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो जब हम इस संख्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो इसके 2 × 2 निकल कर बाहर आते हैं। तो आपको नियम पता ही होगा कि जब रूट में 2 जोड़े बनते हैं तो 1 बनकर बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब क्या है? 2। इसका उत्तर कितना है? 2। अब आपको ये भी पता होगा कि प्रत्येक संख्या, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, उन संख्याओं के नीचे की तरफ 1 छुपा हुआ होता है। इसका मतलब है कि 2 के नीचे भी आपका 1 छुपा हुआ होगा। इसका मतलब है ये पी और ये क्यू, 2p और 1 q। इसका मतलब है ये संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। इसका मतलब है कि रूट 4 आपकी परिमेय संख्या है। रूट 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं और भी हम लिख सकते हैं, जैसे आपका रूट 36 है, ये 6 के बारे में 70 है। जो आपका 47, 49 है, 49 है, ये आपका 7 बनकर बाहर निकल सकता है। यदि हम कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे आपका 64, 8, 81, 9, ऐसी जो संख्याएं आपके रूट के अंदर आएंगी वे संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि वे आपका अपने आप में 7 है, ये अपने आप में 6 है। इसका मतलब है कि ये पी बटे क्यू के रूप में हो सकती हैं, क्योंकि इनके नीचे की तरफ 1 छुपा हुआ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए।